कार्तिकेय के वाहन मयूर पर गजानन के सवार होते ही वे संकट में पड़ जाते हैं, किंतु कार्तिकेय उन्हें रक्षित कर लेते हैं। उधर सिंदूरा, जिसे गजानन के हाथों मृत्यु का शाप मिला होता है, अब वो गजानन के वध के लिए विस्मय जिम्भा को कैलाश भेजता है। अब आगे इतना सारा भोजन, पुत्र पूर्व में तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तुम पर अपना स्नेह न्योछावर कर पाती उसके पूर्व ही तुम्हें जाना पड़ गया, किंतु आज मैंने तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं और आज तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पुत्र कार्तिकेय, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं, उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं तो यही मान बैठा था कि आपका ध्यान केवल गजानन पर ही केंद्रित है, किंतु मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर पाया कि आप इस समय यही थी इस रसोई में मेरे लिए ये भांति भांति के व्यंजनों का भोज तैयार कर रही थी। कोई बात नहीं पुत्र, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, किंतु अब और बातें नहीं, आओ अब भोजन करो। मुझे तो माँ ने भोजन के लिए कहा ही नहीं। अम्मा मुझे भी बैठाएंगी, मैं भी खाऊंगा। अवश्य ये भोजन मेरे लिए होगा। पुनः भैया को ही दे दिया। माँ कब कहेंगी मुझे भोजन के लिए? मैं तो कब से खड़ा हूँ, फिर भी माँ मुझे पूछ ही नहीं रही। प्रतीत होता है कि माँ ये सारा भोजन भैया को खिलाने जा रही हैं, फिर मेरा क्या होगा? ओहो, ठहरो पुत्र, मैं खीर लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। खीर ही नहीं, माँ तो मुझे भी भूल गई हैं, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूँ, भोजन से वंचित कदापि नहीं रहूंगा मैं। भैया अब मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। अब उचित है, अब तो माँ को मुझे भी भोजन देना ही होगा। ये क्या कर रहा है गजानन, मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने देगा क्या? भोजन तो आपके साथ मैं भी करूँगा भैया। पुत्र तुम ये थाल लेकर क्यों बैठ गए यहाँ? माँ जैसे भैया भोजन करेंगे मैं भी तो करूँगा, ये सभी व्यंजन मुझे भी तो बहुत भाएंगे, हम दोनों भ्राता मिलकर भोजन करेंगे, कितना आनंद आएगा ना? नहीं पुत्र, तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते।
अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। किंतु माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो इतने सारे फल है ना यहाँ, जितना मन करे खा लो। फल तो समाप्त भी हो गए माँ। अच्छा, फल समाप्त हो गए क्या? अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा देती हूँ जो स्वादिष्ट भी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। देखा भैया, माँ ने मात्र आपके लिए विशेष भोजन तैयार नहीं किया है, उन्होंने तो मेरे लिए भी कुछ बनाया है स्वादिष्ट, जिसे केवल मैं ही खाऊंगा। पुत्र, ये लो, दुग्ध पान करो। किंतु माँ। पुत्र गजानन, मैंने कहा ना, शांति पूर्वक दुग्ध पान करो। अन्न प्राशन के पूर्व तुम कोई भी भोजन नहीं कर सकते। कोई मुझसे स्नेह नहीं करता, सभी मात्र बड़े भैया से स्नेह करते हैं। मैं कौन हूँ? विशेष तो वो है ना, प्रथम पुत्र जो है माँ और पिताश्री के। अरे पुत्र। माँ वो दुखी हो रहा है, मैं उसे मना लाता हूँ। नहीं पुत्र, बैठ। गजानन की चिंता मत करो पुत्र, वो अभी बहुत बोला है, अभी रुष्ट हुआ है, कुछ ही समय में मान भी जाएगा और स्वयं लौट कर आ जाएगा। तुम भोजन लो। भैया को मिलेगा इतना स्वादिष्ट भोजन और मुझे बस इस स्वादीन दुग्ध से संतुष्ट रहना होगा। भैया खाए पकवान और मैं करूं दुग्ध पान। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये बालक कहाँ चला गया? इतने कम समय में कहाँ जा सकता है ये? अच्छा, स्वयं को बहुत चतुर समझता है। इस शिला के पीछे ही होगा, वहीं से आई थी ये ध्वनि। ये बालक अदृश्य कहाँ हो गया? कहाँ चला गया ये बालक? पकड़ लिया। पकड़ लिया अर्थात? अर्थात मुझे ज्ञात है, माँ ने आपको भेजा है मुझे ढूंढने के लिए, किंतु मैं आपके साथ नहीं चलने वाला मौसी। तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे बिना कुछ कहे ही तुम सब समझ गए। हाँ, तुम्हारी माता ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था, किंतु मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए और वो भी अकेले? ज
जैसे आपको कुछ ज्ञात ही नहीं मौसी। माँ ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे, किंतु मात्र भैया के लिए मुझे कुछ नहीं दिया। और मुझे तो इतनी भूख लगी है। अच्छा पुत्र, अपने नेत्र तो बंद करो। मुझे भूख लग रही है, मैं कह रहा हूँ ना। माँ ने मुझे बहलाने, मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए आपको यहाँ भेज दिया। अपनी मौसी का कहा भी नहीं मानोगे। चलो पुत्र, नेत्र बंद करो। नेत्र खोलो पुत्र। भोजन। खाओ पुत्र, ये लो। अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है माँ। आपको गजानन की चिंता सता रही है ना? इतनी व्याकुल हूँ मैं, किंतु कोई मेरी चिंता को नहीं समझता पुत्र। जन्म से ही गजानन के जीवन पर बार बार संकट आते रहे हैं। हम सब हैं यहाँ उसकी रक्षा के लिए, किंतु मैं उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। उसे इतना ज्ञान, ऐसी विद्या देना चाहती हूँ जिसकी सहायता से वो स्वयं किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम रहे। अवश्य माँ, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब मैं यहाँ हूँ तो मैं भी इसमें आपकी सहायता करूँगा। ये लो, ये खा लो। तुम इस भोजन में से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। माँ ने मना किया है, फिर ये कैसे खा सकता हूँ मैं? अनुचित है ये। ये क्या कर रही हैं आप? क्या इसे ज्ञात हो गया है कि मैंने इसके भोजन में विष घोल दिया है? आपका दिया हुआ ये भोजन कदापि नहीं खा सकता मैं, और कारण तो आपको भी ज्ञात है। मेरा अन्नप्राशन संस्कार अभी नहीं हुआ है। मैं तो मात्र अभी दुग्ध का पान कर सकता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने दिया है, किंतु मुझे तो दुग्ध तनिक भी नहीं भाता। बस इतनी सी बात? पुत्र, वैसे दुग्ध पीना तुम्हारी जया मौसी को भी पसंद नहीं है, परंतु मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दुग्ध में मिला दो तो दुग्ध बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसे पीने में बड़ा ही आनंद आता है। मीठा और स्वादिष्ट? तो तुम ऐसे मीठे और स्वादिष्ट दुग्ध का पान करना चाहोगे पुत्र? हाँ।
लो पुत्र, अब ये और मीठा और स्वादिष्ट हो गया है, अब तुम इसका पान कर सकते हो। लो। प्रहार तो अवश्य होगा संहार, दुग्ध नहीं अपनी मृत्यु का ही पान कर रहे हो तुम बालक। ये क्या, मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है जया मौसी? क्योंकि कालकूट हलाहल विष का ग्रहण किया है तुमने मूर्ख बालक, अब तुम्हारी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता। चिंभा करे प्रहार तो होता है संहार। जो स्वयं अविनाशी है, जो जीवन मरण से परे है, जिनका नाश असंभव है, वो विशेश्वर महादेव फिर जिस सर्वनाशी कालकूट हलाहल विष के प्रभाव से मुक्त नहीं, जिसे अपने कंठ में धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाते हैं, उस अत्यंत घातक विष के प्रभाव से इतनी सहजता से मुक्त हो गया मेरा पुत्र गजानन? आश्चर्य। असफल नहीं होगा जिम्भा का प्रहार बालक, अवश्य होगा तुम्हारा संहार। पुनः करूंगी मैं अपने विष का प्रहार। मुक्ति नहीं पाओगे तुम मेरी प्रचंड शक्ति से। दोनों हाथों से दबाऊंगी तुम्हारा कंठ और करूंगी तुम्हारा अंत। इस राक्षसी रूपी संकट से अभी मुक्त नहीं हुआ है गजानन। तुम्हारा काल विकराल रूप धर के तुम्हारे समक्ष खड़ा है मूर्ख बालक। Thank you.
काल का त्रिशूल। अंत हो गया इस दुष्ट का, किंतु इस घटना से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है मेरे मन में। किस दिव्य शक्ति का रूप है मेरे पुत्र गजानन का जीवन और क्या है उसके जन्म का प्रयोजन? असाधारण है आपका पुत्र गजानन। उसने ही जन्म से पूर्व अपनी माता की रक्षा की थी। आपका पुत्र गजानन ही परब्रह्म महागणपति है, अर्थात वो परम शक्ति जिनका आभास और दर्शन हम त्रिदेवों को सत्युग से भी पूर्व इस सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था।